नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल लिंक्डइन इनसाइड में। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि कोई भी मेडिकल प्रोडक्ट की जानकारी हो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मेरा नाम है डीके, मैं हूं एक रिसर्च फार्मासिस्ट मुंबई। रिव्यू कर रहा हूँ ईटाइम मूवी क्रीम। स्किन वाइटनिंग के लिए काम आती है, डॉक्टर जैसे प्रिस्क्राइब करते हैं वो रंगत निखारने के लिए, गोरे होने के लिए डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं ईटाइम मूवी क्रीम। यूट्यूब पे काफी फेमस हो चुकी है क्रीम। रिमेंबर इंडिया से मार्केट करती है, 180 इसकी एमआरपी है और ऑलमोस्ट 1.5 साल की इसकी शेल्फ लाइफ है। दवाइयाँ जो डाली गई है कारगर उतनी नहीं है जितनी मुझे लगती है, जितना इन्होंने बनाया है, लेकिन फिर भी ठीक है, देखते हैं। आर्बिटिन डाला गया है, स्टेरॉयडल काम करता है, पिगमेंटेशन घटाने का काम करता है। मिल्क प्रोटीन डाला गया है, मिल्क प्रोटीन मॉइस्चराइज करने का काम करता है। नियासिनामाइड डाला गया है, विटामिन B12 एंटी एजिंग का भी काम कर सकता है। लैक्टिक एसिड डाला गया है, एंटी एजिंग का काम करता है। सिनामिड डाला गया है, सनस्क्रीन का काम करता है। एवोबेंजोम सनस्क्रीन का काम करता है। विटामिन सी डाला गया है, विटामिन सी एंटी एजिंग का काम करता है, अच्छा वाइटामिन है स्किन के लिए। और विटामिन ई डाला गया है, विटामिन ई स्किन को मॉइस्चराइज करता है। डीपेंथिनॉल डाला गया है, एंटी एजिंग में काम आता है। तो ऑल इन ऑल इंग्रेडिएंट्स जो डाले गए हैं अच्छे डाले गए हैं, परसेंटेजेस भी अच्छे डाले गए हैं। और स्किन लाइटनिंग जेल विद यूवी प्रोटेक्शन ऐसा जेल आता है। फ्रेगनेंस की बात की जाए तो फ्रेगनेंस काफ़ी अच्छा है, मैंने मैंने यूज भी किया हुआ है और फ्रेगनेंस काफ़ी अच्छा है, स्मूथ फ्रेगनेंस है और ड्राई क्रीम है, SPF 15 है। तो अगर आप ये क्रीम लगा रहे हैं स्किन वाइटनिंग के लिए तो आपको सनस्क्रीन लगाने की जरूरत नहीं है। ईटाइम यूवी क्रीम अकेली ही कारगर है स्किन वाइटनिंग करने के लिए। मिनिमम ऑफ 3 मंथ्स अगर आप क्रीम को लगाएंगे तो आपको नोटिसेबल और विजिबल रिजल्ट देखेंगे और साइड इफेक्ट्स इसके ना के बराबर है। अगर आपको आर्बिटिन की वजह से कोई साइड इफेक्ट दिखाई देता है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके ये क्रीम लगाइए, फिर भी ये क्रीम आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देगी बिना किसी साइड इफेक्ट के। आज के लिए मैं